हेलो फ्रेंड्स, आज है 16 अक्टूबर 2020। करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में हम एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपका जवाब सही रहा तो आपका नाम अगले वीडियो में अनाउंस किया जाएगा, तो इसलिए आप क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दिए ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पर हम आप लोगों के लिए तैयारी के लिए अच्छा से अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नए अपडेट्स जो आते हैं उसको भी इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताते रहते हैं, इसलिए चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागपुर में, यानी नागपुर में शोध संस्थान स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में और ये आता ही है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन शुरू किया है, यानी मोबाइल वैन सेवा की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो ये हरियाणा ने की है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने जल की गुणवत्ता के परीक्षण के मद्देनज़र अति आधुनिक चलित जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन की शुरुआत की है। ये वैन जो है जल परीक्षण की बहुआयामी प्रणाली से लैस है, यानी इसमें कई तरह के सेंसर लगे हुए हैं और कई तरह के विभिन्न उपकरण लगे हुए हैं जिससे आसानी से परीक्षण किया जा सके। यह जानकारी जल शक्ति मंत्री ने हरियाणा दी, जिसमें कि हरियाणा में पानी की गुणवत्ता मुख्य रूप से पूरी तरह से घुलितशील, यानी घुलनशील जो ठोस पदार्थ है उसी की वजह से उसमें प्रॉब्लम है, तो जिसमें फ्लोराइड, नाइट्रेट, लौह अयस्क या क्षारीयता ये सबसे प्रभावित जल है, तो उसके परीक्षण के लिए ये शुरू किया गया है। बयान में कहा गया है, जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों का उद्देश्य जो है वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण आवास में नल द्वारा जल प्रदान किया जाएगा, नलकूप से जोड़ दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर नल द्वारा है, तो ये याद रखना है। यहाँ पर जो टारगेट है 2024 तक का, ये आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो नल द्वारा जो जल प्रदान करने का जो टारगेट रखा गया कब तक है, तो 2024 तक याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग को बढ़ावा देने हेतु कितने हजार करोड़ रुपए की योजना को डिक्लेयर किया है, घोषित किया है? तो अपना ये घोषणा किया गया है 73,000 करोड़, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में उपभोक्ता मांग में लगभग 73,000 करोड़ रुपये तक की वृद्धि के लिए 5 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है, और इसमें कई तरह के चीज़ों को मेंशन किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो ये 100 रुपये का सिक्का जारी किया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 12 अक्टूबर को जारी किया गया है वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए, जिसमें कि 100 रुपये का उसकी स्मृति में सिक्का जारी किया गया है। तो ये चीज़ें हैं, आपको यहाँ पर बेसिक चीज़ें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के 8 योजना में जो 8 मिशन शामिल है उसमें से ये एक शामिल नहीं है? यहाँ देखिए, तो इसमें 8 मिशनों को शामिल किया गया जिसमें कि नाभिकीय शक्ति को शामिल नहीं किया गया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? तो ये पाकिस्तान को रखा है बरकरार इसमें, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने घोषणा की है पाकिस्तान को संगठन की ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा, यानी ग्रे लिस्ट में रहेगा पाकिस्तान, काफ़ी दिनों से चल रहा है ग्रे लिस्ट में ही। तो FATF ने एशिया प्रशांत समूह के
फेलो अप रिपोर्ट ऑन म्यूचुअल इवेल्युएशन ऑफ पाकिस्तान शीर्षक के अंतर्गत उसको ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है, यानी ये ग्रे लिस्ट में ही रहेगा अभी तक, आने वाले समय में भी कुछ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है? तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी, इसने फिलहाल ट्रायल को रोक दिया है। ये अमेरिका की चिकित्सा उपकरण विनिर्माता कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, जिसने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल अभी के लिए रोक दिया है, इसको रोक लगा दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 2900 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर हस्ताक्षर किए? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये मालदीव है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत और मालदीव ने हाल ही में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 2900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह मालदीव की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजना होगी, यानी ये कह सकते हो मालदीव की सबसे बड़ी ये परियोजना होगी जिसमें कि 2900 करोड़ रुपए तक का खर्च किया जाना है। भारत मालदीव के संबंध को सौहार्दपूर्ण रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं पिछले जो पास्ट रिकॉर्ड है उसमें यह है कि भारत और मालदीव का रिलेशन हमेशा अच्छा रहा है, जहाँ की प्राचीन काल से ही अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में चाहे भाषाई यानी भाषा के आधार पर हो, चाहे सांस्कृतिक तौर पर या धार्मिक है या वाणिज्यिक, सभी तरीके से उनका मालदीव का हमारे भारत से संबंध हमेशा सौहार्दपूर्ण रहा है। तो यहाँ पर ये परियोजना लागू की जा रही क्रियान्वित की जा रही है, इसको आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किए गए निम्न से कितने पुलों को एक साथ उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर 44 किया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक रिकॉर्ड है कि एक ही दिन में 44 पुलों का उद्घाटन किया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44 पुलों का लोकार्पण किया है। BRO ने एक साल में 54 यहाँ देखिए 44 एक ही दिन में उद्घाटन किया है, जिसमें एक साल में 54 पुलों का निर्माण का रिकॉर्ड बनाया है, यानी इतना बड़ा रिकॉर्ड मैंने एक साल के अंदर जो है 54 पुलों का निर्माण किया, और ये 44 जो है पुल एक ही दिन में लोकार्पण किया गया। रक्षा मंत्री ने जिन पुलों का उद्घाटन किया है उसमें से 10 पुल जो हैं आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं, 7 पुल लद्दाख से हैं, 2 पुल हिमाचल प्रदेश के हैं, और 4 पुल पंजाब के हैं, 8 पुल जो है उत्तराखंड है, 8 पुल अरुणाचल प्रदेश में है, और 4 पुल जो है सिक्किम में है। इस तरह से अलग अलग जगहों के ये पुल है जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार COVID-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से किस देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है? यहाँ देख सकते हैं, तो ये हमारा देश है भारत है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार COVID-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से भारत में 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। ये स्टेटमेंट आप याद रखिए, आजकल ट्रेंड बन गया है सीधा स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके अलावा पढ़ाई का होने वाला नुकसान जो है वो अलग है, यानी आपका इकोनॉमिक लॉस तो है ही, साथ ही साथ पढ़ाई का भी नुकसान है। इस तरह से अदर स्कूलों में भी बताया गया, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में स्कूल बंद रहने से 62 अरब 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर का लॉस हुआ है। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे पर हम चलते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका जवाब आपको करंट अफेयर्स में कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है अनिरुद्ध थापा, ऑप्शन बी है वाइचुंग भुटिया, और ऑप्शन सी है कार्लटन चैपमैन, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। यदि आपको आ रहा है जवाब तो इसका कमेंट बॉक्स में तुरंत जवाब लिख भेजिए, अगले वीडियो में हम आपका नाम अनाउंस करेंगे। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।